कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। तो जिम्मेवार विपक्ष क्या करता, वो सवाल पूछता, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ, ऐसा करते। ये कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे, बताओ। इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झूलती रही थी, लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे।